हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आप सब कैसे हैं, आपकी फैमिली फ्रेंड्स कैसी है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा मुझे। तो शुरुआत हो गई है मेरी मॉर्निंग की और मैं अभी सोकर थोड़ी देर जस्ट थोड़ी देर पहले ही उठी थी। देन मैंने अभी ब्रश किया है एंड अब सोचा कि व्लॉग स्टार्ट कर दूँ। आज डेली रूटीन का व्लॉग बना रही हूँ मैं और उसमें आपको दिखाऊंगी कि मैं डेली रूटीन में क्या क्या करती हूँ। तो सबसे पहले मैंने उठकर थोड़ा सा एक्सरसाइज किया। एक्सरसाइज करने के बाद फिर मैं ब्रश किया एंड नहीं एक्सरसाइज करने के बाद फिर मैंने अपना पानी पिया एक गिलास, क्योंकि एक गिलास पानी मैं ज़रूर पीती हूँ। पानी पीने के बाद फिर मैंने ब्रश किया। ब्रश करने के बाद अब मैं थोड़ा सा पीऊँगी मिल्क। और सोचा व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ तो पहले व्लॉग स्टार्ट कर लूँ। एंड अगर आप लोगों को मेरी एक्सरसाइज रूटीन देखनी है तो वो मैं डालूँगी ज़रूर, क्योंकि उससे ना क्या हुआ है, मेरा फैट बहुत कम हुआ है। रियली उससे मेरा फैट इतना कम हुआ है। एंड जो मैं सुबह मॉर्निंग में वाटर पी रही हूँ नींबू और शहद का, उससे मुझे बहुत ज़्यादा मेरा बेली फैट जो था वो बहुत ज़्यादा कम हुआ है। और ये मेरा पर्सनल रिव्यू है, क्योंकि ये मैं पी रही हूँ और मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि और मुझे करना भी है अपना बेली फैट थोड़ा कम। तो अगर कोई कपड़े पहनो तो फिर वो गंदा लगता है, फैट नज़र आता है, वो बैली एकदम से नज़र आती है, तो वो मुझे ऑकवर्ड सा लगता है। तो सोचा कि उसको कम करना चाहिए एंड थोड़ी सी एक्सरसाइज करती हूँ। तो बस 5 मिनट में आई मैं अपने हेयर बॉन्ड टाई कर लूँ, फिर वो सब करना है एंड देन फिर अब मिल्क पीते हैं। मिल्क पीने के बाद फिर ब्रेकफास्ट का होगा कि ब्रेकफास्ट में क्या बनाऊँ मैं। बहुत बड़ा स्यापा होता है ब्रेकफास्ट में। मैं थोड़ा सा ना हल्का ही खाती हूँ, जैसे कि फ्रूट्स हो गया। अब फ्रूट्स थोड़ा मैंने स्टार्ट कर दिया क्योंकि मेरा स्किन ना थोड़ा सा ना मेरे एक्ने बहुत हो रहा था, मेरे एक्ने इतने हो रहे थे एंड मैं एक्ने के लिए भी यूज़ कर रही हूँ प्रोडक्ट। एक मेरे पास है बायोडर्मा कह रही हूँ BN ब्यूटी का एक्ने फाइटर, वो यूज़ कर रही हूँ। देखिए ये हो गया एक एक्ने मेरा, क्या है मैं ना एक उसको दबा देती हूँ, जो मेरा दाना होता है ना उसको दबा देती हूँ, तो फिर वो और निशान छोड़ जाता है। इधर भी थे, अब थोड़े से क्लीन हो गए हैं बट कैमरे में विजिबल होंगे नो। ये देखिए ये यहाँ इतने सारे होते हैं, बताए क्यों? क्योंकि मैं मैंगोज बहुत खाती हूँ और मैंगो खाती हूँ तो यही हाल होता है मेरे, पर मैं मैंगो नहीं छोड़ सकती, आई लव मैंगो। तो बस यही है, चले तो फिर मिल्क पीते हैं एंड फिर ब्रेकफास्ट में जो भी बनाऊंगी आपके साथ ज़रूर ट्राई करना, आपको ज़रूर दिखाऊंगी और आप ज़रूर ट्राई करना। मिलते हैं तब तक के लिए। इस सुबह मैं अपना मिल्क ले आई हूँ, आपको दिखाती हूँ। सी तो अब पीते हैं एंड फिर मिलते हैं हम आपसे। इसमें मैंने क्या किया है, मिल्क लिया एंड उसमें मिल्क में मैंने थोड़ा सा 2 या 3 स्पून रूह अफ़ज़ा डाला। रूह अफ़ज़ा के बाद मैंने ना उसको लिया बादाम को, किशमिश को कूट के इसके अंदर डाल दिया और काजू थोड़ा सा कूट के डाल दिया अच्छे से एंड वो मिक्स हो गया। वो मेरे अंदर भी चला जाएगा, मुझे चबाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एंड वैसे मैं बहुत बड़ी आलसी हूँ, यू नो दैट, आपको नहीं पता तो आपको ब्लॉग्स में पता चल जाएगा। तो इसी में मिक्स कर लिया एंड पी लिया। पम्पकिन सीड्स भी मैंने इसमें ही डाल दिए हैं, जो मुझे मिलता है मैं सारे वो ड्राई फ्रूट्स डाल देती हूँ इसके अंदर और पी लेती हूँ। तो गाइस मैंने इडली सांभर बनाया था, तो मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैं इडली सांभर बहुत यम्मी बनाता हूँ। गाइस ये रेसिपी भी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और अब मैं खा रही हूँ इडली सांभर और बहुत यम्मी बनाता, सॉफ्ट इडली बनी थी, फ्लफी फ्लफी एंड मज़ा आ गया खाकर।
अगर आपको ये रेसिपी चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, इसकी रेसिपी मैं आपको ज़रूर दूंगी। बहुत मज़ा आया खाकर। देखिए मौसम भी इतना अच्छा हो रहा है, मैं आपको दिखाती हूँ। तो शाम में मैं घूमने गई थी तो वहाँ पे मौसम ऐसा हो गया था और मैंने सोचा कि एक वीडियो तो शूट कर ही जाए, एंड हवा इतनी अच्छी चल रही थी, बस मज़ा ही आ गया। फिर मैं घूमने आई थी अंटारे कैफ़े, तो हम उसमें घूम लेते हैं, मज़े कर लेते हैं एंड कुछ खा पी लेते हैं। तो मैं कुछ खाने आई थी तो सबसे पहले मैंने मंगाया पिज़्ज़ा, आई लव पिज़्ज़ा, तो पिज़्ज़ा खाया हमने। तो गाइस मैंने बनाया था मखनी दाल विद तंदूरी रोटी एंड बहुत यमी बना था और पेट भर के खाया मैंने। तो जाकर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, कल मिलते हैं।